प्रार्थना करूं भारतीय नारियों से, मंगलसूत्र और मांग बड़ी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, सिंदूर औरतें के सुहाग का प्रतीक होने के साथ उनके श्रृंगार में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि आपके सिंदूर लगाते समय की यह गलतियां आपके पति को बुरी तरह कर्ज में डूबा देंगे और आपको लकीर का फकीर बना देंगे, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। यह सब हम आपको डरने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि बागेश्वर धाम के गुरु जी ने अपने भक्तों को सिंदूर लगाने के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए, जिन्हें जानने के बाद आप अपने पति के लिए किस्मत के दरवाजे खोल सकती हैं और उनकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी हो सकती है। लेकिन वहीं साथ में गुरु जी ने यह भी बताया है कि जो औरतें सिंदूर लगाते समय यह गलतियां करती हैं, उनके पति की उम्र तो कम होती ही है, साथ ही दुर्भाग्य भी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। तो अगर आप भी जानना चाहती हैं कि सिंदूर लगाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक अनसुनी रोचक बातें चैनल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जानकारी पूर्वक वीडियो आपको मिलती रहे। तो बिना विलम्ब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक शादीशुदा स्त्री की पहचान उसका सिंदूर ही होता है, और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो औरत जितनी लंबी अपनी मांग धारती है, उसके पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार सिंदूर ही है, जो न केवल एक स्त्री की गरिमा को दिखाता है, बल्कि उसके पति के सौभाग्य को भी बनाए रखता है। लेकिन आधुनिकता के चलते औरतें में मॉडर्न बनने की होड़ में इस परंपरा को एक तरफ किनारा उठाकर रख दिया है। अब या तो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती ही नहीं हैं, या फिर टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगती हैं, और इसी वजह से उनकी जीवन में परेशानियां चलती रहती हैं। और फिर वह औरतें अपने भाग्य को और अपने भगवान को दोष देती हैं। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप जरूर समझ जाएंगे कि हमारी ही गलतियां हमारे कर्मों का निर्धारण करती हैं और हम पर भारी पड़ती हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि जो औरतें सर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती हैं, या फिर गिले बालों में सिंदूर लगाती हैं, तो ऐसे में उनके पति कर्ज में डूबने लगता है और उनके काम धंधे भी ठप होने लगता है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि शास्त्रों के अनुसार गिले बालों में सिंदूर भरने से इसका प्रभाव महिलाओं के मन पर पड़ सकता है, और उनके मन में बुरे बुरे विचार आ सकते हैं, और ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा और परिवार में क्लेश हो सकता है। औरतें को हमेशा अपने बाल धोने के बाद सूखने चाहिए और उसके बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। इसी के साथ गुरुजी यह भी कहते हैं कि फैशन में महिलाएं अलग अलग बनावट के कपड़े पहनने लगी हैं, इस तरह सिंदूर को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से लगाने लगी हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित है। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सीध में ही लगाया जाता है। जो औरतें टेढ़ी मेढ़ी मांग निकाल कर सिंदूर लगाती हैं, ऐसी औरतें के पति की सफलता में कई रुकावटें आती हैं और उनके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाते। वहीं औरतें अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों में छुपा लेती हैं, तो वैसी औरतें के पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता और समाज में उनकी छवि भी और लोगों के बीच में छुप जाती है। लोग या तो उन्हें पहचानते नहीं हैं, या फिर उनकी एक गलत छवि लोगों की नजरों में बनी रहती है। इसके अलावा गुरुजी ने यह भी कहा कि औरतें अक्सर अपना सिंदूर दूसरी औरतें को लगाने के लिए देती हैं, या फिर दूसरों से मांग कर सिंदूर अपनी मांग में भर लेती हैं। अगर आप भी उन्हें औरतें में से हैं जो अपना सिंदूर किसी दूसरी औरत को लगाने के लिए मिलती है, या फिर किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती है, या किसी और की बिंदी लगा लेती है, तो आपके पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बादल रही हैं। कभी भी किसी और की बिंदिया यह सिंदूर मांग कर लगाने से हमारी पति के जीवन में भी वही दुख और तकलीफ आने लगती है जो उस स्त्री के जीवन में होती है। और अगर आप अपनी बिंदी और सिंदूर किसी और को लगाने के लिए देते हैं, तो इससे आप अपना सौभाग्य उसे स्त्री को खुद भी खुद दे देती है। तो इसीलिए आप अपनी किसी भी चीज को दूसरों को दे सकती हैं, या दूसरों से मांग कर कुछ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अपनी बिंदी और सिंदूर को किसी को देने और किसी से लेने से पहले 1000 बार सोचिएगा।
इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने सिंदूर लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यह भी बताया। गुरु जी कहते हैं कि औरतें को हमेशा नाक के सीध में लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि औरतें अपनी मांग जितनी लंबी भारती हैं, उनके पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है और उसकी तरक्की के रास्ते भी खुलती चले जाते हैं। अगर आप एक कामकाजी महिलाएं और हर रोज सिंदूर लगाना आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो आप यह ध्यान रखें कि तीज त्योहार के मौके पर सिंदूर जरूर लगाएं और हो सके तो जब भी आप किसी मंदिर या फिर पवित्र स्थान पर जाएं तो वहां का सिंदूर लेकर अपनी मांग में जरूर भरे। और जिन स्त्रियों की नई नई शादी हुई है, वे भी अपनी शादी का सिंदूर संभाल कर रखें और इस सिंदूर में और सिंदूर मिलाकर लगाते रहे और कम से कम 40 दिन तक यह सिंदूर जरूर लगा कर रखें। इसी के साथ गुरु जी ने यह भी कहा कि तीज त्योहार के मौके पर करवा चौथ पर अपने पति से सिंदूर लगवाना भी सौभाग्य को बढ़ा सकता है। इसी के साथ महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर उनके नाक पर गिर जाता है तो उनके पति की आयु बढ़ जाती है। वहीं अगर सिंदूर गलती से जमीन पर गिर जाता है तो इससे महिलाओं के जीवन में जरूर कोई ना कोई संकट आने वाला होता है, तो सिंदूर लगाते समय इन बातों का विशेष ख्याल रखें। हमारे हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है कि वनवास के बाद जब एक बार माता सीता अपनी मांग को सिंदूर से भर रही थी, तब हनुमान जी सीता माता के पास आकर पूछते हैं कि माता आप यह क्या कर रही हैं? तब सीता माता जी ने हनुमान जी को बताया कि वह श्री राम की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रहे हैं, इससे श्री राम की आयु बढ़ती है और श्री राम प्रसन्न होते हैं। तब हनुमान जी ने सोचा कि अगर इतना सा सिंदूर लगाने से उनके प्रभु की आयु बढ़ सकती है तो क्यों न वह अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा ले। और तभी से हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने की प्रथा बन गई। तो देखा आपने, अगर सिंदूर में इतनी शक्ति है कि वह भगवान की आयु बढ़ा सकता है तो इंसान की तो बात ही क्या है। तो दोस्तों, सिंदूर वास्तव में एक महिला के सौभाग्य से जुड़ा होता है, क्योंकि हर एक इंसान के भीतर 7 चक्र होते हैं और जो महिलाएं नियमित रूप से सिंदूर लगाती हैं, उनका 7वां चक्र यानी कि आजा चक्र बिना किसी मेहनत के तपस्या के सक्रिय हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति का आजा चक्र जागृत हो जाता है तो उसे परिस्थितियों को भांपने की शक्ति मिल जाती है। तभी तो महिलाओं को आगे होने वाले घटनाओं का अंदाज बाकी लोगों से पहले हो जाता है। आपको बता दें कि बड़े बड़े तपस्वियों को अपने आजा चक्र को जागृत करने के लिए गहन तपस्या करनी होती है, वही महिलाएं अपना आजा चक्र केवल अपनी मांग में सिंदूर लगाकर ही जागृत कर सकते हैं। वहीं विवाहित के लिए तो सिंदूर न केवल उनके सौभाग्य बल्कि सुहाग का भी प्रतीक है, और वह स्त्रियां अपने पति के हृदय में एक विशेष जगह भी प्राप्त करती है जो अपने पति के नाम की मांग रोज भरती है। तो दोस्तों, औरतों को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर न केवल उनके पति की आयु लंबी करता है बल्कि उनकी चेतन शक्ति को भी जगा देता है। तो सिंदूर लगाना न केवल उनके पति के सौभाग्य से जुड़ा है बल्कि स्त्रियों की मानसिक शांति से भी जुड़ा है। रोज सिंदूर लगाने वाले स्त्रियों का मंगल मजबूत रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि गुरु जी के बताए हुए मांग भरने के यह नियम आप जरूर अपनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखे। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें वीडियो बनाने में प्रोत्साहन देता और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। जय सीताराम, जय श्री हनुमान।